हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैन टू प्लेट फ्रॉम जयंती। आज मैं आपके साथ एक इंस्टेंट अचार की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम हैलोपिनो से तैयार करेंगे। आपके पास अगर हैलोपिनो अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है या इसके अलावा जो लाल मिर्च अचार वाली होती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 से 16 हैलोपिनोज लिए हैं। 1 कप मैंने क्रश्ड जिंजर गार्लिक का लिया है, पेस्ट नहीं कहेंगे इसको, क्रश्ड है। और 3/4 कप मैंने टैमराइंड लिया था, इसको ओवरनाइट विनेगर में सोक किया था और फिर इसको अच्छे से छान ले ताकि इसमें रेसे नहीं रहें। और ये 5 फोरन है, ये 3/4 कप हमें यूज़ करना है। और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, और ये हरी मिर्चें हैं, ये हैंडफुल लिया है मैंने, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सॉल्ट और मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में ही ये बनता है, ये ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम ये जो हैलोपिनोज हैं इसको हम 1 इंच के आसपास जो है इसे काट लेंगे। आप बहुत मोटे पीसेस इसको नहीं बनाना है, इस तरीके से आप इसको काट लें और सबके पीसेस बना बना के हम रख लेंगे। तो यहाँ पे हैलोपिनो सारे कट गए हैं। अब इस जो हरी मिर्ची है हमारी, उसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। इसको बहुत छोटा छोटा नहीं करना है आपको, तो बस 2 भागों में डिवाइड कर लें। और यहाँ पे अब मस्टर्ड ऑयल गर्म होने के लिए रख रहे हैं, तो 1.5 कप के अराउंड ये मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला है, क्योंकि अचार में तो तेल अच्छी क्वांटिटी में डलता है, इसलिए 1.5 कप डालें। और जैसे ही ये स्मोक पॉइंट पे गर्म हो जाए, अच्छे से गर्म हो जाए, तब इसमें हम अपना 5 फोरन ऐड कर देंगे और थोड़ी देर इसे चटकने देंगे। थोड़ा सा जब ये पक जाए तो क्रश्ड हमारा जो जिंजर गार्लिक था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे करीब 1 से 1.5 मिनट तक भून लेने के बाद इसमें हम सबसे पहले हल्दी पाउडर डाल देंगे। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर यूज़ किया था वो डालेंगे, और 2 टेबलस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इस यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी भी यूज़ कर सकते हैं, 3 या 4 भी डाल सकते हैं। और अब इस टाइम पे हम कटी हुई जो हरी मिर्ची थी वो ऐड कर देंगे, और साथ ही हम हैलोपिनोज भी कटे हुए थे वो भी ऐड कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को 2 मिनट तक आपको भून लेना है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता है। अब 2 मिनट के बाद इसमें सॉल्ट भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत मतलब आपको देखने में लगेगा कि ये अभी ठीक है, बट अचार में जितना ज़्यादा सॉल्ट तीखापन रहता है वो अच्छा रहता है, तो सॉल्ट अच्छे से डाल दें। और बिल्कुल एंड में फिर 3/4 कप जो हमने ये विनेगर में सोक किया हुआ जो टैमराइंड था वो पल्प निकाला था वो आप इसमें हम ऐड कर देंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये अचार बिल्कुल देखिए रेडी है। ये मैंने ये टैमराइन ऐड करने के बाद बिल्कुल आधे मिनट ही आपको भून लेना है और ये अचार बिल्कुल रेडी है। देखिए अब ये तैयार हो गया और ठंडा भी हो गया, इसे हम जार में भर लेते हैं और बिल्कुल इंस्टेंट अचार हमारा रेडी है। बहुत ही यमी बनता है और एकदम कम से कम इन्ग्रीडियंट्स लगते हैं इसे बनाने में। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी इस रेसिपी को। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।